मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर, क्योंकि मुझे मैं हमेशा मानता हूँ कि आर्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो पिक्चर हो चाहे डांस हो, कि आप ना सिर्फ एक ऑडियंस को एंटरटेन करें लेकिन आपको आप उनको एडुकेट भी करें। और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि ये जो डांस का शो है ये ना सिर्फ लोगों को एंटरटेन करेगा लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में बात कर रहा है, एक तो ड्रग एडिक्शन और दूसरा जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए ना सिर्फ एक अवेयरनेस रेज करना है लेकिन पैसे भी रेज करना है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ पर आकर। जी आई थिंक इट्स अमेजिंग। आई थिंक जब आप इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं मुझे लगता है आपकी ड्यूटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सोसाइटी को कुछ वापस दें, और वो रेगुलरली सोसाइटी को वापस देते आए हैं, ना सिर्फ डांस के ज़रिए बट अपने जो चैरिटी है उसके ज़रिए भी। तो इट्स आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल द वर्क दैट इज़ डूइंग। जी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा। मैं डांस नहीं करता, मुझे डांस ठीक से आता नहीं, और जब उन्होंने मुझे कहा कि इसके साथ जुड़ूं और इसको आके सपोर्ट करूं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मुझे हमेशा लगता है कि एक जो सेलिब्रिटी है या जो एक कोई अगर थोड़ा फेमस है तो उसे सोशल कॉजेज़ को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। तो जब भी मुझे मौका मिलता है इस तरह के कॉजेज़ को सपोर्ट करने का मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जी जी उसके बारे में इस वक्त बात नहीं करना चाहूँगा मैं। जी थैंक यू।